तेल उसमें ऐड कर देते हैं तो वो भी उससे भी उसकी दूध की मात्रा है वो ठीक बनी रहती है और उससे बढ़ जाती है दूध की मात्रा, क्योंकि फार्मर के लिए वही एनिमल होता है जो एक साल में बच्चा दे देता है और जो लंबे टाइम तक पशु को पशु अपना दूध देता रहता है। फार्मर को बताएंगे कि पशुओं का दूध कैसे बढ़ाया जाता है। तो मेन चीज तो ये होती है कि हमारी ब्रीड कैसी है। ब्रीड यदि अच्छी है तो हम खिलाने के लिए यदि पशु को अच्छा देते हैं तो उससे हमारा दूध पशु अपना दूध काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो एक तो मौसम के हिसाब से हम करते हैं कि जैसे आजकल गर्मी है, गर्मी के टाइम में पशुओं का दूध वैसे भी कम हो जाता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें गर्मी को पशु को दिन में दो तीन बार नहला देना चाहिए और उसको ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। उसमें उसके साथ साथ उसको हरे चारे की बड़ी आजकल आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि हरे चारा आजकल कम मिलता है, तो वो हरा चारा यदि पशु को मिलेगा तो उससे दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें क्रूड फाइबर ज़्यादा होता है तो वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी वगैरह करता है और चारा हरा चारा दूध बढ़ाने में उसका बड़ा हरे चारे का बड़ा महत्व है। तो इसके साथ साथ एनिमल को हम उसको क्या क्या दें कि जिससे कि दूध की मात्रा उसकी बढ़ जाए। तो दूध की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ उसको जैसे दो भाग हम उसको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें देते हैं, जैसे एक क्विंटल हमने दाना पशु का तैयार करना है तो उसमें 50% हम जो जई मक्का और गेहूं वगैरह इनमें से कुछ मिला सकते हैं, 50% इसका होता है, और कुछ 25% हम उसमें दलहनी दाना जो होता है जैसे कि चना होता है और लोबिया, चना, गवार और सोयाबीन इनमें से 25% इसमें से मिला देते हैं, और 25% हम जैसे कि आपको ये खड़ वगैरह होती हैं 25% वो मिक्स कर देते हैं, तो उससे उसकी सभी संतुलित चीज़ें पशुओं को मिल जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है उसको पशु को, और पशु को प्रोटीन मिल जाता है, फैटी लिपिड्स वसा मिल जाती है, उसके साथ साथ में 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पशु के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मिनरल की कमी से भी पशुओं में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसका दूध भी अच्छी तरह से नहीं बढ़ता, मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो 50 ग्राम पशु को, बड़े पशु को डेली मिनरल मिक्सचर हम खिलाते हैं, तो डेली वो ज़रूरी होता है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, किसी भी कंपनी का लेके हम वो खिला सकते हैं। और 50 ग्राम पशु के लिए नमक भी बड़ा ज़रूरी होता है, जो साधारण नमक हम खाते हैं वो भी पशु को दे देना चाहिए, तो उससे भी पशु की दूध देने की कैपेसिटी, सोडियम और क्लोराइड की कमी नहीं होती, पशु अच्छा दूध देता है। इसके साथ साथ उसको डीवर्मिंग भी करते रहना चाहिए पशु को, अलग तीन तीन चार चार महीने के बाद उसको कृमि रहित करते रहें और उसको अलग अलग तरह की दवाइयां पशुओं को देते रहना चाहिए, तो बदल बदल के दवाइयां देनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी हमें ज़रूरी होता है कि आजकल जैसे कि पशुओं का दूध गर्मी के टाइम में कम हो जाता है, तो वो दूध को बढ़ाने के लिए इसके संतुलित चारे के साथ साथ थोड़ा फैट वगैरह ज़्यादा हम दे, घी या तेल, उसको तेल वगैरह हम दे देते हैं, जैसे उसके दाने के अंदर, चारे के अंदर 100 या 150 ग्राम डेली का हम तेल उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो भी उससे भी उसकी दूध की मात्रा है वो ठीक बनी रहती है और उससे बढ़ जाती है दूध की मात्रा, क्योंकि जो फैट होता है वो उसको 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। तो इस तरीके से हम उसको पशु का दूध बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग प्रमुख आहार के तत्व दे के और पशु के दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें इसके लिए साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि उसकी नस्ल कैसी है, नस्ल पशु की ज़रूरी अच्छी नस्ल होना चाहिए, जैसे कि भैंस के लिए है मुर्रा नस्ल है, वो अच्छी दूध देने वाली अच्छी ब्रीड है। इसी तरीके से और दूसरी नस्लें भी होती हैं, गाय में हम HF ले सकते हैं, क्रॉस ब्रेड ले सकते हैं, और यदि देसी में हमने लेनी है तो साहीवाल ब्रीड हम ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की ब्रीड होती हैं, वो ब्रीड भी हमारी ज़रूरी होता है, और साथ में उसका पशु का रख रखाव भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो रख रखाव और उसका संतुलित चारा, संतुलित दाना हम देंगे तो निश्चित रूप से पशु की मिल्क की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, वो फार्मर के लिए बड़ा अच्छा होगा।
और फार्मर के लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद फार्मर के लिए वही एनिमल होता है जो एक साल में बच्चा दे देता है और जो लंबे टाइम तक पशु अपना दूध देता रहता है फार्मर को। तो वो ऐसे एनिमल को डेयरी के लिए भी और यदि फार्मर पालना भी चाहता है तो ऐसे एनिमल को पाल सकता है जिससे कि उसको ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा फायदा उसको मिल सके। तो धन्यवाद, और इसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है कि हमें कैसे पशुओं का दूध बढ़ाया जा सकता है।